मैं इस समय सिंगापुर में एक पोस्ट ऑफिस के सामने खड़ा हूँ, जो यहाँ की सिंगापुर पोस्ट है, और मैं आपको यहाँ का एक नायाब, एक बहुत ही ख़ास किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। मैंने को 27 अक्टूबर को एक पोस्ट भेजी थी इंडिया, और ये उसका जो है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। उसका ये है, ये एनवेलप है उसका, और इसकी डिटेल अभी मैं क्लोज़अप आपको दिखाऊंगा। और क्या हुआ कि उसमें मैंने $8.40 पे किया उस समय। उसमें चिट्ठी थी और मैंने यहीं पर एक जो पोस्ट करने के लिए एनवेलप होता है वो एनवेलप ख़रीदा। उस एनवेलप की कॉस्ट थी $1.70, पोस्टेज की कॉस्ट थी $5.50, और टोटल पे किया $8.40। तो जब वो एनवेलप काउंटर पे वे किया गया तो थोड़ा सा जो बेसिक प्राइस था उसके ऊपर वेट की कॉस्ट भी जोड़ करके $8.40 आ गए। मैं पोस्ट करके चला गया। इसके बाद क्या हुआ कि बस तीन दिन बाद ही मुझको यहाँ से एक लेटर आया, और उसमें जो है वो $1.70 उन्होंने मुझे वापस भेजा। ये है उसका पेपर है, रिसीट है। $1.70 उन्होंने मुझको एक छोटे से प्लास्टिक के एनवेलप में, दिखाता हूँ आपको, ये कॉइन्स उन्होंने $1.70 मुझको वापस भेजा। नाउ आई वॉज वेरी मच सरप्राइज टू सी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी देश में या किसी भी, ये इतनी छोटी बात के लिए वीडियो बनाना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी बनाया है ये सोच के कि आप ईमानदारी की हद होती है। अब कैलकुलेशन क्या थी, $8.40 पे किया, एनवेलप का कॉस्ट पे किया, और जो वेट बढ़ गया था ओरिजिनल से उसको पे किया, और फिर इन्होंने जब बाद में उसका नेक्स्ट स्टेप हुआ होगा तो उन लोगों ने देखा कि मैंने एनवेलप की कॉस्ट पे की है। तो कैलकुलेशन ये कहता है कि अगर हमने एनवेलप की कॉस्ट पे कर दी है तो एनवेलप का वेट का पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। तो वो जो एक्स्ट्रा वेट का पैसा था $1.70, वो इन्होंने बकायदे मुझको एक नोट लिख करके कि ये आपका एक्स्ट्रा पैसा जमा हो गया था और ये आपको वापस भेजा जा रहा है। तो वो सिक्के उन्होंने एक प्लास्टिक के उसमें करके बकायदे रजिस्टर्ड पोस्ट से मुझको वापस भेजे। जितना पैसा नहीं वापस भेजा है, शायद उतना पोस्टल चार्ज होगा, लेकिन सिंगापुर पोस्ट से ही भेजा गया तो उनको पैसे नहीं लगे होंगे। तो ये एक इतनी बड़ी सरकारी ईमानदारी का उदाहरण मुझे तो नहीं मिलता कहीं।